नमस्ते दोस्तों, मेडिसिनल किंगडम में आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है और हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस मौसम में, बरसात के मौसम में, ठंडी के मौसम में कौन से दवाओं को जो है रखना चाहिए जो कि इमरजेंसी में काम आ सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रात के समय में बच्चे को कुछ समस्याएं होती है और उस टाइम पे डॉक्टर या मेडिकल स्टोर खुला हुआ नहीं मिलता है, तो इमरजेंसी में हम कौन से दवाओं को जो है अगर घर में रखते हैं तो काफ़ी हद तक मदद हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो ज़रूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो आते हैं वीडियो के ऊपर और बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लें कि यहाँ पे देख सकते हैं कैल्फोल है, पैरिजेसिक है या डोलो ड्रॉप है। डोलो, पैरिजेसिक या कैल्फोल, ये सारी जो है बच्चों के लिए बुखार और दर्द की दवा है। एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक है, मतलब दर्द और बुखार का दवा है। तो ये तो 100% है कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा है जो कि 6 महीने से नीचे का है, तो एक साल से नीचे का है, तो ये दवा को आपको रखना ही चाहिए। कैल्फोल हो गया या पैरिजेसिक हो गया या फिर डोलो, ये तीनों में से कोई एक दवा को आपको रखना है, जिसका कंपोजिशन आप देख सकते हैं। पैरासीटामोल पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन है ये, इसमें कि 100 mg पैरासीटामोल मिला हुआ है। तो इस तरह का जो है ड्रॉप को आपको रखना ही है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा और भी एक समस्या बच्चों में होता है पेट दर्द, पेट में ऐंठन और गैस का समस्या, तो उसके लिए आप जाइमेक्स ड्रॉप रख सकते हैं घर में। देख सकते हैं ये जाइमेक्स 10 ml का जो है ये ड्रॉप है, जाइमेक्स के नाम से है, जिसमें कि पेप्सिन, पेपाइन, सोडियम साइट्रेट, ये जिंजर ऑयल, सिनामोन, इस तरह से ये जो है पेट में गैस, अपच और साथ ही साथ पेट का दर्द, ऐंठन, ये ममोर, ये सारी समस्याओं में ये जो है फायदेमंद है। और उसके बाद पेट में अगर दर्द रहता है, ऐंठन रहता है, तो बच्चों को जो है ये बायोस्पास या कोलीमैक्स या स्पासमिंडन, कोई भी एक पेट दर्द की दवा जो कि मेरे पास है बायोस्पास, डाइसाइक्लोमिन ग्रुप का है ये, डाइसाइक्लोमिन एक्टिवेटेड डाइमेथिकोन बायोस्पास ड्रॉप है ये, पेट दर्द का दवा है, पेट दर्द, पेट में ममोर, ऐंठन का दवा है। तो एक पेट दर्द का एक जाइम हमेशा से आपको रखना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। एक पचने का दवा, गैस का दवा, और एक पेट दर्द का दवा और एक बुखार का दवा, ये आपको इमरजेंसी में रखना ही चाहिए, हमेशा से आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो है कभी भी इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकता है। ये हो गया, ये था बेसिक दवा जो कि आपको रखना ही चाहिए घर में जो है बच्चों के लिए, पेट दर्द का, गैस का और पाचन शक्ति को बढ़ाने का दवा हमेशा से रखना चाहिए। क्योंकि कई बार बच्चों को क्या होता है कि एसिडिटी हो जाता है, गैस बन जाता है रात के समय में, या दूध पिलाने के बाद वोमिटिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, ऐंठन स्टार्ट हो जाता है, इसके वजह से बच्चा रोने लगता है, शांत नहीं होता है, चुप नहीं हो पाता है, क्योंकि पेट में दर्द भी रहता है, तेज़ दर्द रहता है। तो उस कंडीशन में एक जाइम, अच्छा सा जाइम जो है, और एक पेट दर्द का और एक बुखार का कोई सा भी आपको रखना चाहिए। बुखार का जो ड्रॉप है वो आपको बुखार के साथ साथ दर्द में भी काम करता है, तो बच्चे को अगर चोट लग गया, पलंग से नीचे गिर गया, नींद की वजह से कहीं गिर गया, या फिर चोट लग गया किसी वजह से, खेलते खेलते कहीं चोट लग गया, तो उस कंडीशन में भी बच्चे को दर्द रहता है, तो उसमें भी कैल्पोल या पैरिजेसिक ड्रॉप या डोलो ड्रॉप अगर आपके पास है तो आप बच्चे को दे सकते हैं, जिसके वजह से उसकी दर्द भी कम हो जाएगी और साथ ही साथ बुखार में भी, बुखार को भी कम करने का काम करता है। तो ये तीनों इमरजेंसी दवा को आपको 100% रखना ही चाहिए घर पे। बाकी और इस तरह के दवाओं को रखना जरूरी होता है घर में। बाकी और भी समस्याएं हैं तो उसके लिए तो आप ये जो है मैं आपको इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में बताया है जो कि आपको रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।